नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कंप्यूटर के क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं काम से बाहर हूँ और ना ही मेरे पास पेन टैबलेट है लिखने के लिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिल पाए हैं वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फास्टली। ठीक है, अगर आपका आने वाली शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम है तो आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन अपने तैयार कर लेने। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है, ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था। कैश मेमोरी इज समटाइम्स कॉल्ड, कैश मेमोरी को कभी कभी क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीपीयू मेमोरी। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन गूगल क्रोम ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुक मार्क द करंटली ओपन्ड पेज? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है टीसीएस का। मैंने पिछले पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर डिस्कस किया था करंटली ओपन पेज को बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है। तो ये रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन फॉर्मूलाज मेन्यू इन एमएस एक्सेल 2016? इनमें से कौन सा मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है एमएस एक्सेल 2016 के अंदर? तो ये रहेगा आपका एब्स। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट रहेगा, फुल फॉर्म होती है इसकी एब्सोल्यूट। चलिए इसको हम दिखा भी आपको देते हैं मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन के अंदर। चलिए एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर रखा है, तो फॉर्मूला ओपन जब हम करते हैं तो यहाँ पर आपको मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन देखने को मिलते हैं। वो आपको सारे फंक्शन यहाँ से एक बार रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको यहीं से अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, एब्स एकोस। ठीक है, तो जो भी बनते हैं एग्रीगेट, ये भी काफी बार पूछा जाता है। एग्रीगेट भी आपका मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, कॉम्बिन आपको याद रखना है। ठीक है, बेस आपको याद रखना है यहां पर। चलिए डेसिमल याद रखना है, इवन आपको याद रखना है, इवन। नेक्स्ट आपको याद रखना है फैक्ट, ये भी आपका मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है। और कौन सा पूछा जा सकता है यहां से देखते हैं, मोड, ये भी आपको याद रखना है। एम राउंड, ये भी याद रखना है। ऑड वाला, ये भी याद रखिए। पावर, और यहां से आपको याद रखना है कौन सा, एक साइन वाला याद कर लेना। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया केवल वही याद कर लेना। सम, सम इफ और सम इफ्स, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट ये सम स्क्वेयर, ठीक है, ये भी आपका मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है। और ट्रंच, तो ये सारे मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन है जो भी मैंने आपको बताया है, इन सभी को आपको लर्न रखना है। लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो लॉजिकल फंक्शन में कौन कौन से आते हैं, एंड, फॉल्स, इफ, इफ एरर, इफ एन ए, इफ्स, नॉट और, स्विच, ट्रू और एक्सोर। ठीक है, तो ये सारे आपके लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन लॉजिकल से पूछा गया था तो इनमें से कोई आपका आंसर होगा। अगर मैथ एंड ट्रिगो वाला पूछा गया था तो मैथ एंड ट्रिगो में ये इनमें से कौन सा आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन डिजाइन यहां पर किए हैं। कैंडिडेट ने बोला था लॉजिकल, मैथ एंड ट्रिगो, फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर दो क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट यहां बोल रहा है, इफ फंक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फंक्शंस इन एमएस एक्सेल 2016? इफ फंक्शन कैटेगरी, फंक्शन ही कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है एमएस एक्सेल 2016 के अंदर? तो ये होता है आपका लॉजिकल फंक्शन, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन के अंदर दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई। ठीक है, तो ये आपका एक लॉजिकल फंक्शन रहेगा। इफ आपको याद रखना है, नॉट आपको याद रखना है, दोनों काफी बार पूछ जाते हैं, इफ, नॉट और ट्रू, ये तीनों टीसीएस पूछ चुका है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट एड आइडेंटिफाइज ए सेल ऑन ए वर्कशीट। देखो, कॉलम का और रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, और सेल के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, सेल रेफरेंस। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा, या यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर सेल एड्रेस देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए दोबारा से दिखाते हैं आपको। देखिए यहां पर मैंने A6 सेल पर क्या कर रखा है, इसको एक्टिव कर रखा है। ठीक है, ए से ए बी सी डी ई, ये आपकी क्या होती है, कॉलम होती है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग के अंदर आपको रो देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो आपका सेल एड्रेस है वो है A6। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो सेल एड्रेस है
ए कोलम और सिक्स रो का जो सेल एड्रेस है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा ए सिक्स। ऑप्शन के अंदर आपको सिक्स ए देखने को मिलेगा, ए सिक्स देखने को मिलेगा, दो ऑप्शन और कुछ डाल दिए जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले आपका कॉलम आता है फिर आता है आपका रो। एक शिफ्ट के अंदर शायद पूछा गया था ए कॉलम ए और 10th रो का जो इंटरसेक्शन है उसे क्या बोलेंगे, उसका सेल एड्रेस क्या रहेगा। तो ये रहेगा आपका A10, और A10 ये जो आपको शो करेगा ये नेम बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेम बॉक्स के राइट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार देखने को मिलता है, जो भी फॉर्मूला की हम यहाँ पर एंट्री करते हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा सेल रेफरेंस, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच व्हाट डिड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कम अप विद, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर क्या यूज किया गया था। तो हलवा सवाल है, बच्चे बच्चे जानते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब आपको याद रखने हैं, सभी को पता होगा फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई वेरी हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, इनमें से कौन सी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है। तो ये है आपकी कैश मेमोरी, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो पहली शिफ्ट से मिलते जुलते ही क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस पूछ रहा है। नेक्स्ट, और एडवर्टाइजिंग स्पोर्टेड सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग स्पोर्टेड सॉफ्टवेयर है जो डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन यूजर कंप्यूटर। तो ये कौन सा आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, ये रहेगा आपका एडवेयर, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट दिया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। स्पाईवेयर भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर स्पाईवेयर पूछा जा सकता है। तो स्पाईवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल इट सेल्फ ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टार्ट कवर्टली मॉनिटरिंग योर ऑनलाइन बिहेवियर विदाउट योर नॉलेज और परमिशन। स्पाइवेयर इज ए काइंड ऑफ मालवेयर दैट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेस दिस डाटा टू अदर पार्टी। स्पाइवेयर क्या करता है, आप एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होकर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करके किसी दूसरी पार्टी के साथ क्या करता है, शेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें हर एक लिंक पर क्लिक करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्यूटर कॉल्ड व्हेन इट इज इन्फेक्टेड विद ए मालवेयर बोट, जब आपका कंप्यूटर मालवेयर बोट से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जोम्बी आर्मी, ऑप्शन थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको बोटनेट भी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बोटनेट को ही क्या बोलते हैं, जोम्बी आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द फोन टूल बार इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के फोन टूल बार के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ डिटेल के अंदर। चेंज केस आपको देखने को मिलेगा, फॉन्ट साइज, सबस्क्रिप्ट, फॉर्मेट पेंटर आपको क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है, ये फोन टूल बार के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलो यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको, इसे काट देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेंगे, फॉन्ट का साइज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये आपका चेंज केस है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज केसेस आपको देखने को मिलते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। एग्जामिनर टोगल केस पूछ सकता है। टोगल केस का काम क्या है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल हो जाता है, उसके बाद वाले क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो, वर्ड आर्ट लगा सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, सबस्क्रिप्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, स्ट्राइक थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। देखो, हमें कभी भी वर्ड के अंदर किसी चीज को क्या बताना हो कि वो वर्ड यहां पर गलत है, ठीक है, या गलत है, या यहाँ पर थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये इरिलीवेंट है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रू फीचर के अंदर क्या होता है कि वर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलती है भाई। ठीक है, अंडरलाइन आप कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। क्लिप बोर्ड के अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन नेटवर्क द टर्म प्रोटोकॉल मीन्स, नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो डाटा को
ये आपके एक प्रकार के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इंटरनेट की हेल्प से डाटा कम्युनिकेशन और डाटा क्या बोलते हैं इंटरनेट पर कम्युनिकेशन और डाटा के ट्रांसफर के अंदर हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए पैरेलल पोर्ट, इनमें से कौन सा पैरेलल पोर्ट का यूज करता है, तो ये प्रिंटर रहता है। हलवा सवाल है ये, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इनमें से कौन सा वीडियो का एग्जाम्पल है, तो ये रहेगा आपका मॉनिटर। सीआरटी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मुझे मिले थे। ठीक है, थोड़ा सा और इलेबोरेट मैं इनको करता और एक्सप्लेन करता, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं माफी चाहता हूँ तहे दिल से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।